इंडिया में सोलर पैनल कैसे बनते हैं आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। मेरे पीछे आप जो फैक्ट्री देख रहे हैं ये है इंसोलेशन एनर्जी की फैक्ट्री। इंसोलेशन एनर्जी इंडिया की 10 सबसे बड़ी सोलर कंपनीज में से एक है और इनकी जयपुर में दो फैक्ट्री है जिनमें से एक फैक्ट्री पे आज मैं आया हूँ। तो चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि सोलर पैनल्स को एक्चुअली किस तरीके से बनाया जाता है। इस फैक्ट्री की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 500 मेगावाट्स की और इस फैक्ट्री में सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पैनल्स को ही मैन्युफैक्चर किया जाता है, यानी कि जो मोनोपर्क हाफ कट पैनल्स होते हैं उन्हें की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर करी जाती है। जो भी अगर मशीनरी लगी है वो M10 और M12 सेल्स से पैनल बनाने के लिए कैपेबल है और ये जो फैक्ट्री है इसको इस तरीके से बनाया गया है कि फ्यूचर में जो न्यू टेक्नोलॉजीज आएगी उनके पैनल भी यहाँ पर इजीली बनाए जा सकते हैं। इंसोलेशन एनर्जी पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है लेकिन वो पैनल इनकी दूसरी फैक्ट्री के अंदर बनता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। तो चलिए इस फैक्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर पैनल को किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पर जो बड़े बड़े कार्टन्स देख रहे हैं इन कार्टन्स के अंदर सोलर सेल है, तो इन कार्टन में छोटे छोटे बॉक्स है, इन बॉक्स को बाहर निकाला जाता है और बाहर निकाल कर इनको अनरैप करके सेल को बाहर निकाल के कुछ इस तरीके से मैगजीन में इनको लोड कर लिया जाता है और फिर इस मैगजीन को इंसर्ट किया जाता है इस बड़ी सी मशीन में। आप यहाँ पर जो बड़ी सी मशीन देख रहे हैं ये है सेल कटिंग मशीन जो कि सेल को बीच में से कट करके दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। बेसिकली यहाँ पर जो भी पैनल्स अभी बन रहे हैं वो हाफ कट टेक्नोलॉजी के है और इसीलिए सेल को बीच में से काटना होता है और ये जो मशीन है ये लेजर के थ्रू इन सेल्स को काटती है और फिर ये सेल बाहर आते हैं और इनको कुछ इस तरीके से मैगजीन में इनको फिर से लोड किया जाता है और फिर इस मैगजीन को इंसर्ट किया जाता है इस सेकेंड मशीन के अंदर। और ये जो मशीन है ये है सेल स्ट्रिंग मशीन, सोलर सेल्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर देती है और ये वाली मशीन भी फुली ऑटोमेटिक है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वाली मशीन मैगजीन में से वन बाई वन करके सेल को पिक करके लाती है और इन सेल के ऊपर रिबन की पेस्टिंग करी जाती है और पेस्टिंग करने के बाद में जैसे ही ये सेल आगे कंटिन्यू होते हैं तो यहाँ पर इनकी सोल्डरिंग कर दी जाती है और सोल्डरिंग करने के बाद में ये सेल इस कन्वेयर बेल्ट पे से होते हुए आगे कंटिन्यू हो जाते हैं। यहाँ पर जो भी पैनल्स बन रहे हैं उन पैनल्स के अंदर 12 सेल की स्ट्रिंग यूज होती है, तो जैसे ही 12 सेल की स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाती है वैसे ही स्ट्रिंग पर कट लग जाता है और कुछ इस तरीके से एक स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाती है। स्ट्रिंग को ये वाली मशीन जो है ऑटोमेटिकली उठा लेती है और उठा के सबसे पहले इसका विजुअल इंस्पेक्शन होता है, ये देखा जाता है कि क्या ये स्ट्रिंग परफेक्ट बनी है कि नहीं बनी है, क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। जब ये एक बार इंश्योर हो जाता है कि ये स्ट्रिंग परफेक्ट है तो ये वाली मशीन इस स्ट्रिंग को कन्वेयर बेल्ट पर रख देती है और ये वाली कन्वेयर बेल्ट इसको आगे लेकर जाती है जहां पर इसका पैनल बनाया जाता है। आप यहां पर ये जो बड़ी सी मशीन देख रहे हैं ये है ग्लास पिक मशीन, ये वाली मशीन वन बाय वन करके ग्लास को पिक करती है और पिक करके उनकी क्लीनिंग करके उस पर ईवी सीट की लेयर बिछा के इसको आगे कंटिन्यू किया जाता है। ईवी सीट की कटिंग के लिए और बैक सीट की कटिंग के लिए यहां पर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है जो कि बिल्कुल फिक्स साइज की ईवी सीट और बैक सीट को कट करके यहाँ पर रख लेती है। तो ये जो ग्लास है जिसके ऊपर अभी ईवी सीट बिछाई है ये ग्लास कन्वेयर बेल्ट से होता हुआ आगे कंटिन्यू होता है और ये जो रोबोट है ये रोबोट जो सेल स्ट्रिंग बन के आ रही है कन्वेयर बेल्ट से होती है उनको वन बाई वन करके पिक करता है और पिक करके इस ग्लास के ऊपर उनको जमा देता है। अभी यहाँ पर जो पैनल बन रहा है उसमें 12 स्ट्रिंग का यूज होगा, तो ये रोबोट कन्वेयर बेल्ट पे से वन बाई वन करके स्ट्रिंग को पिक करता है और पिक करके इस ग्लास के ऊपर रखता है और जैसे ही यहां पर 12 स्ट्रिंग को रख दिया जाता है ये ग्लास कन्वेयर बेल्ट से होता हुआ आगे कंटिन्यू होता है। आगे इसका विजुअल इंस्पेक्शन होता है और विजुअल इंस्पेक्शन के साथ में जो भी स्ट्रिंग यहां पर लगी है उनको प्रॉपर तरीके से अलाइन कर दिया जाता है और अलाइन करने के बाद में फिर इसको आगे कंटिन्यू किया जाता है। अब ये पैनल जाएगा ऐसी मशीन के अंदर जहां पर इसकी सोल्डरिंग करी जाएगी। बेसिकली यहां पर जो भी स्ट्रिंग हमने यूज करी है उन स्ट्रिंग्स को भी आपस में सीरीज में कनेक्ट करना होगा और इसके लिए ये जो बड़ी सी मशीन है ये बड़ी सी मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक है, ये बड़ी सी मशीन खुद से ही जो भी स्ट्रिंग है उनके ऊपर रिबन लगा के उसकी सोल्डरिंग कर देती है और सोल्डरिंग करने के बाद में इसको बाहर निकाल देती है। अब आगे इस पैनल की एक बार टेस्टिंग कर ली जाती है, ये देखा जाता है कि जो भी सोल्डरिंग हुई है ये परफेक्ट है कि नहीं है। जब ये इंश्योर हो जाता है कि सोल्डरिंग एकदम परफेक्ट है तो फिर इस पैनल के ऊपर ईवी सीट की लेयर बिछाई जाती है और ईवी सीट के जस्ट ऊपर बैक सीट की भी लेयर बिछाई जाती है और फिर इस पैनल को रेडी कर लिया जाता है लैमिनेशन के लिए। लेकिन लैमिनेशन से पहले एक बार
बार इस पैनल की प्रॉपर टेस्टिंग करी जाती है इस बड़ी सी मशीन के अंदर। ये जो बड़ी सी मशीन आप देख रही है ये है ईएल टेस्टिंग मशीन, और इस मशीन के अंदर काफ़ी सारे कैमराज लगे हैं जो कि पैनल की प्रॉपरली इमेजेस निकालते हैं और ये चेक करते हैं कि इनमें जो भी सेल्स लगे हैं क्या उन सेल के अंदर कोई क्रैक्स तो नहीं है या फिर कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस पूरे पैनल के अंदर। क्योंकि अगर एक बार पैनल का लैमिनेशन हो गया तो फिर पैनल को खोल कर उसको रिपेयर करना इम्पॉसिबल होता है, तो पहले ही ये इंश्योर कर लिया जाता है कि पैनल 100% परफेक्ट हो तभी इसको लैमिनेशन के लिए भेजा जाता है। मेरे पीछे आप ये जो बड़ी सी मशीन देख रहे हैं ये है लैमिनेटर। इस मशीन के अंदर पैनल्स की लैमिनेशन करी जाती है। सबसे पहले हमने ग्लास लिया, ग्लास के ऊपर ईवीएस शीट डाली और सेल डाला, सेल के ऊपर हमने फिर से ईवीएस शीट डाली और फिर डाली हमने बैक सीट। अभी सैंडविच बन गया और इस सैंडविच को इस बड़ी सी मशीन में डाला जाता है और डालने के बाद में उसका लैमिनेशन करी जाती है, और लैमिनेशन करने के बाद में जितने भी कंपोनेंट हमने डाले थे ये एक साथ जो है चिपक जाते हैं। और लैमिनेशन के टाइम पर जो ईवीएस शीट है, बैक सीट है, उनका एक्स्ट्रा पार्ट बाहर निकल जाता है मेल्ट होके, तो इसकी कटिंग के लिए भी यहाँ पर ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है जो कि एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके बाहर निकाल देती है। और कटिंग करने के बाद में इस पैनल की फिर से एक बार मैनुअली कटिंग करी जाती है ताकि कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट बाहर ना रहे। अगर एक्स्ट्रा पार्ट बाहर रह जाता है तो यहाँ पर जो फ्रेम हम इंस्टॉल करेंगे वो फ्रेम प्रॉपरली यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा, मजबूती सही से नहीं आ पाएगी। फिर ये पैनल कन्वेयर बेल्ट से होता हुआ आगे कंटिन्यू होता है और यहाँ पर फिर से इसका विजुअल इंस्पेक्शन होता है। ये देखा जाता है कि अब तक इस पैनल में जो भी काम हुआ है ये सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम इस पैनल में निकलती है तो उसको या तो ठीक किया जाता है, अगर वो ठीक नहीं होती है तो फिर उसको डैमेज कर दिया जाता है, वो पैनल फिर किसी भी काम का नहीं होता है। जब ये इंश्योर हो जाता है कि पैनल में सब कुछ परफेक्ट है तो फिर इसकी फ्रेमिंग करी जाती है। फ्रेमिंग के लिए भी यहाँ पर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। ये जो मशीन है इस मशीन के अंदर ऑलरेडी जो फ्रेम्स होते हैं उनको लोड कर दिया जाता है, तो ये वन बाई वन करके उन फ्रेम्स को पिक करती है और उन फ्रेम्स के ऊपर ऑटोमेटिकली सीलेंट फिलिंग करती है, और फिलिंग करने के बाद में ये ऑटोमेटिकली मशीन इन पैनल्स के ऊपर फ्रेम को प्रॉपरली इंस्टॉल कर देती है। फ्रेम इंस्टॉल होने के बाद में पैनल इस मशीन से बाहर निकल के कन्वेयर बेल्ट से होता हुआ आगे कंटिन्यू होता है। यहाँ पर जो भी पीछे जंक्शन बॉक्स है उन जंक्शन बॉक्स को लगाकर वायरिंग कनेक्ट करी जाती है, और जंक्शन बॉक्स के ऊपर सोल्डरिंग का काम होता है तो वो भी काम किया जाता है। सोल्डरिंग के काम के बाद में इन जंक्शन बॉक्स में जो भी स्पेस खाली बचता है उसके अंदर सैलेंट फिलिंग कर दी जाती है ताकि यहाँ पर पानी वगैरह नमी वगैरह बिल्कुल भी एंटर ना करे। जब ये काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर इस पैनल को उठाकर क्यूरिंग के लिए रख दिया जाता है, यानी कि इसमें अभी हमने जो सीलेंट फिलिंग करी है, जो भी फ्रेम हमने इंस्टॉल करा है, इसको सूखने में टाइम लगता है, तो यहाँ पर कुछ देर का यहाँ पर इसको टाइम दिया जाता है। और जैसे ही पैनल की क्यूरिंग कंप्लीट हो जाती है यानी कि जो भी सीलेंट हमने यूज किया है वो प्रॉपरली सूख जाता है, तो फिर इस पैनल की क्लीनिंग करी जाती है। यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बच जाता है उसको बाहर निकाला जाता है, और लैमिनेशन के टाइम पर काफी सारे प्रोसेस के अंदर कुछ भी केमिकल अगर पैनल्स पर लगा है तो उस केमिकल को थिनर की हेल्प से प्रॉपरली क्लीन किया जाता है। अब इस पैनल की फाइनल टेस्टिंग करी जाएगी और इसके लिए एक लीड को पैनल के पीछे कनेक्ट कर देते हैं ताकि टेस्टिंग मशीन पैनल के साथ में कनेक्ट हो सके। और पैनल के पीछे ये जो स्टिकर लगता है इस स्टिकर को भी यहाँ पर लगा दिया जाता है, और फिर इस पैनल को उठाकर रखा जाता है इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, और ये कन्वेयर बेल्ट इस पैनल को लेकर जाता है इस टेस्टिंग चैम्बर के अंदर। इस टेस्टिंग चैम्बर के अंदर पैनल्स को काफी अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है। ये देखा जाता है कि पैनल्स का आउटपुट कैसा है, कितना एम्पियर का ये आउटपुट दे रहा है, कितना वोल्टेज का आउटपुट ये दे रहा है, और आईवी कर्व कैसा बन रहा है, प्रॉपरली इसकी टेस्टिंग करी जाती है। और पैनल की जो भी टेस्टिंग रिपोर्ट निकलती है उस टेस्टिंग रिपोर्ट का प्रिंटआउट लेकर इस पैनल के पीछे यहाँ पर लगा दिया जाता है। फिर ये पैनल कन्वेयर बेल्ट से होता हुआ आगे कंटिन्यू होता है और यहाँ पर फाइनली पैनल की ईएल टेस्टिंग फिर से करी जाती है। ये देखा जाता है कि पैनल में जो भी सेल्स लगे हैं क्या उनमें कोई माइक्रो क्रैक्स तो जनरेट नहीं हो गया है। प्रॉपरली एक बार ईएल टेस्टिंग कर लिया जाता है यानी कि इसकी फाइनल टेस्टिंग कर ली जाती है, और टेस्टिंग करने के बाद में फिर इसको आगे कंटिन्यू किया जाता है। और आखिर में ये यहाँ पर जो मैन पावर है ये मैन पावर फिर से एक बार इन पैनल्स की विजुअल इंस्पेक्शन करती है, ये देखती है कि ये पैनल जो बना है ये क्या परफेक्ट है कि नहीं है, क्या इसमें कुछ कमियां तो नहीं रह गई है। जब ये इंश्योर हो जाता है कि ये पैनल एकदम परफेक्ट है तो फिर इस पैनल की पैकेजिंग यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाती है। यहाँ पर इस फैक्ट्री में जो भी पैनल्स बनते हैं वो BIS सर्टिफाइड होते हैं, तो इसके लिए इन पैनल की
अलग से टेस्टिंग करी जाती है, और ये जो टेस्टिंग है ये इसके लिए काफी अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। इस बड़ी सी मशीन के अंदर पैनल की ह्यूमिडिटी टेस्ट होती है। ये वाली बड़ी सी मशीन इस पैनल के ऊपर काफी ज्यादा वेट का पुल करती है और पुश करती है, और ये देखती है कि पुल पुश से इस पैनल के अंदर क्या क्या डैमेज होता है। इसके अलावा ये दूसरी मशीन आप जो देख रहे हैं, ये वाली मशीन इस पैनल को स्ट्रेच करके देखती है, खींच के देखती है कि क्या इसकी जो फ्रेम है वो स्ट्रेच करने से बाहर निकल भी रही है या फिर नहीं निकल रही है। मतलब यहाँ पर काफी सारी मशीन है, और इन काफी सारी मशीन के अंदर इन पैनल्स को अलग अलग पैरामीटर पर टेस्ट किया जाता है। फाइनली कुछ इस तरीके से सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में इनको कुछ इस तरीके से वेयर हाउस में स्टोर कर लेते हैं, और यहीं से फिर इनके इंडिया लेवल पर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है या जो डीलर्स है उनको यहीं से डिस्पैच कर दिया जाता है। तो फाइनली आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।